मालूम है कि अंग्रेज हमारे वीर योद्धाओं से और उनकी बनाई रोटी से बहुत डरते थे। अब आप सोचेंगे कि चलो वीर योद्धाओं तक तो ठीक है, लेकिन भला रोटी से कैसे कोई डर सकता है। हमें पता है कि आप हमारा यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको हमारी बात का यकीन अपने आप ही हो जाएगा। आज हमारे महान भारत देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हो गए। इस हिसाब से देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व और धूमधाम से मना रहा है। अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक राज किया था। इन 200 सालों में भारतवासियों पर कितने जुल्म ढाए गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे देश के शूरवीरों ने देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। स्वतंत्रता सेनानियों ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया और आखिर में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिला दी। हालांकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, इसके लिए भारत में कई आंदोलन चले, जिसमें से एक अनोखे आंदोलन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जिस आंदोलन का हम जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में चपाती आंदोलन के नाम से दर्ज है। चपाती आंदोलन के तहत अंग्रेज भारतीय रोटियों से काफी डरने लगे थे। क्या था ये चपाती आंदोलन और इससे क्यों डरते थे अंग्रेज, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। साल 1857 में चपाती आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हुई थी। इस आंदोलन के तहत आंदोलनकारी बड़ी संख्या में रोटियां बनाते थे। उस समय ये उत्तर प्रदेश के कई गांवों में फैल गया था, जिससे ब्रिटिश के नाक में दम हो गया था। जब चपाती आंदोलन शुरू हुआ तो मथुरा के एक मजिस्ट्रेट मार्क थॉनहिल ने इसकी जांच की। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि बड़ी संख्या में चपातियों को बनाकर 300 किलोमीटर तक भेजा जा रहा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस समय जंगलों से एक शख्स आता था, वो गांव के चौकीदार को रोटियां देकर और रोटियां बनाने के लिए कहकर चला जाता था। चौकीदार अपनी पगड़ियों में रोटियां छिपाकर रखते थे। चपाती आंदोलन के दौरान श्रीरामपुर में छपने वाली अंग्रेजी के एक अखबार द प्रिंस ऑफ इंडिया ने मार्च 5 को 1857 के अपने अंक में कहा था कि जब रोटियां हर किसी थाने में पहुंचती थी तो ब्रिटिश इसे लेकर दुविधा में पड़ने के साथ डर जाते थे। चपाती आंदोलन के दौरान इसके ओरिजिनल सोर्स का किसी को भी पता नहीं चल सका था। कुछ लोगों का मानना था कि इसे अंग्रेज ने ही शुरू कराया था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना था कि इन रोटियों में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ सीक्रेट नोट्स को छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। हालांकि इसे लेकर प्रूफ नहीं मिल सके। इस आंदोलन के तहत रोटियां बनने के बाद एक ही रात में ब्रिटिश मेल से तेज सप्लाई होती थी। इस रोटियों के फरुखाबाद से गुड़गांव और अवध से रोहिलखंड होते हुए दिल्ली भेजा जाता था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन रोटियों में कमल का फूल और बकरी का मांस भेजे जाने की भी बात कही गई। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे शूरवीरों ने किन मुश्किलों का सामना करके हमें आजादी दिलाई। अगर हम इस आजादी का मायने अभी भी नहीं समझे तो हम अपने साथ अपने देश का भी नुकसान कर देंगे। आखिर में हम आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या सही मायने में हम आज आजादी पाकर खुश हैं? क्या हकीकत में हम आजाद भी हुए हैं या नहीं? कहीं सत्ता के लालची लोगों ने सत्ता के साथ साथ देश का बंटवारा करके हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंकी है? सदियों से भेदभाव और बंटवारे की मार झेल रहे समाजों को क्या वाकई में आजादी के नाम पर चुने गए लोकतंत्र रूपी मंदिर की खुली हवाओं में सांस लेने का सुकून मिला है? क्या अज्ञानता के अंधेरे में डूबे लोगों के लिए तालीम का मुकम्मल इंतजाम हुआ है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं गुर्बत में जी रहे लोगों के आंगन तक पहुंचती हैं या पहुंचने की ओर अग्रसर है? क्या भूख के भय में जी रहे लोगों के दिलों में विश्वास जगाने को कामयाब हुए हैं कि अब तुम बेफिक्र काम करो, किसी नागरिक की मौत भूख से नहीं होगी? क्या पाखंड और अंधविश्वास में डूबी जनता को वैज्ञानिक सोच उपलब्ध करवाकर हम सांत्वना देने में सफल हुए हैं कि अब आस्था और धर्म के नाम पर फर्जी ठेकेदार तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएंगे? क्या गांव के किनारे और अशिक्षा के अंधियारे में ढकेले गए लोगों को हमारे शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों जैसे हर सार्वजनिक स्थानों पर समानता के साथ साथ हमसफर बनकर चलने का विश्वास दिलाकर दिलों में व्याप्त भेदभाव के भय को दूर कर पाए? अगर इन तमाम सवालों पर आपका जवाब स्पष्ट तौर पर हाँ या ना में नहीं है तो ना तो हम वास्तविक आजादी हमने पाई है और ना ही हम आजादी की तरफ बढ़ने का माहौल बना पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।